हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एम्स पटना बीएससी नर्सिंग 2022 की कट ऑफ देखेंगे। इससे पहले बीएससी नर्सिंग एम्स जोधपुर, दिल्ली और भी बाकी एम्स का अपलोड कर दूँ, वो जाके आप देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। और जो लोग न्यू हैं उन्हें बता दूँ कि बीएससी नर्सिंग एम्स लेवल पर अलग एंट्रेंस होता है और इसका नीट के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी कन्फ्यूज है। इसलिए जब भी ये फॉर्म है ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि नीट के थ्रू इसका सिलेक्शन नहीं होता है। और इस वीडियो में देखेंगे एम्स पटना फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ओपन राउंड की कट ऑफ और विथ मार्क्स, 21 रैंक पे कितना मार्क्स रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के। तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी 520 रैंक है, 62.33 मार्क्स है। ओबीसी कैटेगरी में 107 रैंक है, 53 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1292 रैंक है, 51 मार्क्स है। एससी कैटेगरी में 2595 मार्क्स है, सॉरी रैंक है, और 40.667 मार्क्स है। एसटी कैटेगरी में एक भी सीट अलॉट नहीं हुआ। अब देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में एसटी कैटेगरी में एक भी सीट अलॉट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट क्वालिफाई उतना ज़्यादा नहीं कर पाए थे जितना सीट था, इसीलिए काफ़ी वैकेंट रह गई है। इसलिए जो भी लोग इस कैटेगरी से हैं थोड़ा सा मेहनत कर ले और आपको 40+ ज़रूर स्कोर करें, आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मिनिमम 40+ मार्क्स होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें। और बात करेंगे सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड में एम्स पटना में जनरल कैटेगरी 930 रैंक, 55.33 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी 1435 रैंक, 49.33 मार्क्स है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। ईडब्ल्यूएस रैंक कुछ भी नहीं है, मार्क्स भी नहीं है क्योंकि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। सेकेंड राउंड में एससी कैटेगरी 2442 रैंक है, मार्क्स है 41.667। और एसटी कैटेगरी में फिर देख सकते हैं सेकेंड राउंड में भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, काफ़ी सीट वैकेंट रह गई है इस बार। तो इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, फिजिक्स मैट लिस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले, और केमिस्ट्री में भी जितना हो पा रहा है उतना, और बायो में तो फुल एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा से सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका पीवाईक्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर कुछ अपलोड कर दी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात करेंगे ओपन राउंड की। तो ओपन राउंड में ओबीसी कैटेगरी में 1653 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ, 47.333 मार्क्स है। और बाकी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में एक भी सीट अलॉट नहीं हुआ ओपन राउंड में, क्योंकि स्टूडेंट नहीं थे, क्वालिफाई नहीं किए थे, जिस वजह से सीट अलॉट नहीं हुआ है। क्वालिफाई मार्क्स तक ज़रूर स्कोर करें, और कितना किस कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क्स है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, जो लोग न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, वो आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा और कोई एम्स का चाहते हैं और भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।